हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑटो टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज को आपको बताने वाले हैं कि आपको एक्सीलेटर वायर कैसे डालना है, चाहे मैक्सिमा हो, चाहे BS4 हो, चाहे BS3 हो, BS6 छोड़ के कैसे डालते हैं। चलिए आपको सबसे पहले तो हमें कार्बोरेटर को ऊपर से ये वायर तार को खोल लेना है। खोलने के बाद देखो हमें इस तरह से स्लाइड को निकालना है। इस तरह से निकाल लेना। उसके बाद हमें स्प्रिंग को निकाल लेना है। उसके बाद हमको इस तरह से हमें कैप को निकाल लेना है। अब आइए आगे आपको बताते हैं। अब आपको तार को ऐसे पकड़ना है और तार को ऐसे बाहर की तरफ एकदम निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको आउटर को नीचे से खींच लेना है। दोस्तों, हमें इस आउटर को इस साइड से यहाँ पे हमें टैप से इसको बांध लेना है। इस तरह से दोस्तों टैप से हमें बांध लेना है। उसके बाद से हमें किसी से पीछे से आउटर को हमें खिंचवाना है। ऐसे से आपको अंदर को डालते जाना है और पीछे से किसी से खिंचवा लेना है। बस करो, बस करो। अब हमें दोस्तों हमें टैप को खोल लेना है। दोस्तों, एक्सीलेटर वायर पीछे आ चुका है। अब आपको आगे हम बताते हैं कैसे फांसते हैं। सबसे पहले तार को हमें ऐसे अंदर को डाल लेना है। डाल लेने के बाद हमें इस तरह से फांसना है। दिख रहा होगा आपको, तरह से हमें अंदर को करना है। करने के बाद हमको आउटर को नीचे सेट कर देना है। करने ये मक्खी है, इसको हमें यहाँ फांस देना है। अब चलिए आपको बताते हैं पीछे स्लाइड कैसे फांसते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये कैप को लगाएंगे। इस तरह से अंदर को हम डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों हम स्प्रिंग को लगाएंगे। दोस्तों, स्प्रिंग को अंदर दबाने के बाद आपको स्लाइड को इस तरह, ये खांचा होता है, इसमें ऐसे फंसा लेना है। फंसा लेने के बाद ऐसे में अंदर को कर लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें हमारी पिन होती है। ऐसे उंगली डाल के चेक करना है, दो पिन होंगी। उसी साइड में ये मेरा कट बना होता है, उसी साइड में पिनों की साइड ऐसे करके डालना है और स्लाइड आपकी अंदर चली जाएगी। और उसके बाद हमें कस देना है। एक्सीलेटर मेरा वायर डल चुका है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।